ओके, तो आज हम आए हैं एनबीसी स्टूडियो। दिस इज एनबीसी न्यूज। ये है, ये लोकेटेड है रॉकफेलर प्लाजा में। तो यहाँ पर मॉर्निंग शो होते हैं, जब न्यूज होता है, न्यूज के पहले, न्यूज के बाद होस्ट बाहर निकल के आते हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए, कल हम दोबारा यहाँ पर आएंगे एक बार। और ये जो रॉकफेलर बिल्डिंग है, ये कुछ 5 बिल्डिंग्स आसपास इकट्ठी हैं। जो रॉकफेलर का जो ऑनर था जॉन डी रॉकफेलर, वेरी रिच का है। अगर आपको याद हो US ऑयल, तो US ऑयल को वो ओन करता था। तो ये तकरीबन आप समझ के चलें कि जो पेट्रोल का बिजनेस है वो दुनिया में उसी ने स्टार्ट किया है। तो बस उसी के बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस हैं और बहुत से ऑफिस हैं, ABC, CBS सब यही हैं। चल के आपको दिखाते हैं अभी। ये एरिया है आसपास एनबीसी स्टूडियो के। दिस इज एनबीसी स्टूडियो, दैट्स द न्यूज स्टूडियोस व्हिच कॉल्ड स्टूडियो 1A, एंड दैट साइड 6th एवेन्यू विल बी द एबीसी। सो लेट्स गो वॉक डाउन देयर। और ये है रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल, जो कि लोकेटेड है वेस्ट 50th स्ट्रीट एंड 6th एवेन्यू पर। और इसे भी जॉन डी रॉकफेलर ने बनाया था 1938 में। 1930 से 40 का जो वक्त था अमेरिका के लिए, वो ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था। और उस वक्त जॉन डी रॉकफेलर की बहुत कंट्रीब्यूशन रही है अमेरिकन इकॉनमी में। और यहाँ के हम फेमस 5th एवेन्यू पर तो आए ही थे, तो मैंने कहा चल भाई थोड़े जा इसको भी मिलते चलें। ये देख रहे हैं मेरे सामने आप ट्रंप टावर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क का होम है, वेरी फेमस। और जब भी वो यहाँ होता है पूरी चहल पहल होती है भाई साहब। कई बार तो 5th एवेन्यू को बंद भी कर दिया जाता है। सो पॉलिटिकल प्रेफरेंस एक तरफ, लेकिन कोई भी अगर कहीं जाता है, जैसे लास वेगस है या फिर न्यूयॉर्क मैनहट्टन है, तो एक ना एक नज़र इस पर जरूर मारने आता है। और जो भी न्यूज में दिखाया जाता है उसकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग, वो उस तरफ से साइड ऑफ द बिल्डिंग से होती है। तो हम भी चल के निकलते हैं भैया वहीं से जहां से वो निकलता है। और सो इस 45 का मतलब है 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसने स्पेशली यहां पर लिखवाया है। एंड दिस इज रियली वेरी गुड बिल्डिंग, देख सकते हैं। And on very great location of New York, right on the 5th Avenue. और अब हम निकल रहे हैं साइड से बिल्डिंग के, जहां से उनकी एंट्री और एग्जिट होती है। देखा हो आपने कभी न्यूज में उनको बाहर आते हुए, 45 का साइन राइट अबव माई शोल्डर। और एक ऐसी शख्सियत है भैया, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में बना रहा है सिर्फ न्यूज में बने रहने के लिए। नो न्यूज इज बैड न्यूज फॉर हिम। और मोस्टली जब वो भाई यहां होता है तो इसी रास्ते से बाहर आता है। और तकरीबन ये सारा एरिया ब्लॉक होता है, एंटायर 5th एवेन्यू। दिस एरिया फुल ऑफ NYPD, सीक्रेट सर्विस एंड FBI। और ये है फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। So let's go walk out a little bit. जैसे मैंने कहा भैया, political preference एक तरफ लोगों की, लेकिन लोग आते हैं यहाँ भैया विजिट करने, pictures खिंचवाने। तो ये भी मैनहट्टन की एक जगह है जिसे मिस या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एफएओ श्वार्ट्स, अ प्रीमियम टॉय स्टोर राइट ऑन फिफ्थ एवेन्यू। ये 10 बजे खुलता है भैया, सुबह जब आए हैं तो बहुत लाइन लगी हुई थी। एंड नाउ वी केम बैक टू सी व्हाई दिस स्टोर इज वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग लंदन, दे हैव अनदर लोकेशन देयर। सो इस स्टोर को एस्टेब्लिश किया था एक जर्मन इमिग्रेंट ने जिसका नाम फ्रेडरिक श्वार्ट्स था, वो भी किया था 1862 में। पहले इनिशियली ये स्टोर बना था बाल्टीमोर मैरीलैंड में, फिर उसके बाद फिर इसकी जगह को मूव करके 1870 में न्यूयॉर्क सिटी में ले आया गया। उस वक्त इस स्टोर का नाम टॉय बाजार हुआ करता था, जो कि 765 ब्रॉडवे के ऊपर हुआ करता था। और फिफ्थ एवेन्यू में इस स्टोर को 1931 में मूव किया गया, तब से ये 745 फिफ्थ एवेन्यू इन न्यूयॉर्क ये स्टोर लोकेटेड है। इस स्टोर की एक ब्रांच आपको वेस्टमिंस्टर लंदन में भी मिल जाएगी। और अब चलते हैं यहाँ से क्वींस की तरफ। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप विल बी जैक्सन हाइट्स। This is Jackson Heights. This is the bus station, and that is the subway station, Metro. This is the Jackson Heights. I remember coming here 27 years ago, and just for 2 days, don't remember too much. Now I'm here again. तो जैक्सन हाइट्स को कल्चरल मेल्टिंग पॉट भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के बहुत से कंट्री से यहाँ पर लोग रहते हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और तकरीबन 160 लैंग्वेजेस इस छोटी सी नेबरहुड में बोली जाती हैं। और इसको 20वीं सदी की शुरुआत में क्वींसबोरो कॉरपोरेशन के द्वारा बसाया गया था एज अ प्लान गार्डन सिटी, द फर्स्ट प्लान गार्डन सिटी। और इसका जो नाम है वो यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड हुआ करता था जॉन सी जैक्सन, उसकी रिस्पेक्ट में ये नाम रखा गया जैक्सन हाइट्स। सो 1909-1910 में इसको डेवलप किया गया, लेकिन पॉपुलेशन बूम यहाँ पर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जहाँ बहुत से कंट्रीज से, लैटिन अमेरिका से, साउथ एशिया से, ईस्ट एशिया से, अफ्रीका से, हर जगह से लोग यहाँ पर इमिग्रेट हुए। यहाँ पे आपको कल्चरल सेलिब्रेशंस पे होली सेलिब्रेशंस मिलेंगी, दिवाली सेलिब्रेशंस मिलेंगी, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का मिलेगा। इनफैक्ट और भी बहुत से कंट्री हैं, कोलंबिया है, कोलंबियन इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ मनाया जाता है, और अफ्रीका से जो लोग आते हैं उनके अपने सेलिब्रेशंस हैं। तो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ मेल्टिंग कल्चर पॉट। और हर कंट्री या कम्युनिटी के यहाँ पे सेपरेट क्वार्टर्स मिलेंगे, जैसे कि लिटिल इंडिया एंड पाकिस्तान क्वार्टर आपको मिलेगा 74th स्ट्रीट पर, एंड विच स्पैन्स ऑल द वे फ्रॉम 30th एवेन्यू टू रूजवेल्ट एवेन्यू। जो लिटिल बांग्लादेश है वो आपको मिलेगा 73rd स्ट्रीट पर, सेम वे अप टू 37th एवेन्यू टू रूजवेल्ट एवेन्यू। तिब्बत और नेपाल का अपना सेपरेट क्वार्टर है। हर जगह पे आपको अपने अपने रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, अपने अपने कल्चर के हिसाब से जो ड्रेस स्टोर है वो मिल जाएंगे। सामने देख रहे हैं आप डेली हाइट्स, दिस इज द इंडियन क्वार्टर, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे आपको साइंस मिल जाएंगे, और बहुत ही वैरायटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रेस्टोरेंट्स और ऑथेंटिक कुजींस आपको यहाँ मिलेंगे, ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ग्रॉसरीज और अदर गुड्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, यू विल गेट इट हियर। दिवाली और ईद भैया साथ में मनाया जाता है यहाँ पर, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं। और ये जहां से हम निकल रहे हैं इस वक्त, ये है बांग्लादेशी क्वार्टर। और पांच बारह हैं न्यूयॉर्क के,
इसमें सबसे छोटा बोरो है वो है मनहट्टन। सो मनहट्टन एक बोरो है, ब्रॉन्क्स दूसरा बोरो है, स्टेटन आइलैंड जो तीसरा बोरो है, क्वींस चौथा बोरो है, और एंड में जो फिफ्थ है दैट इज ब्रुकलिन। सो पांच बोरो से मिलकर पूरा न्यूयॉर्क बना है, जैक्सन हाइट्स इन क्वींस। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जैक्सन हाइट्स पड़ता है क्वींस में, और क्वींस या न्यूयॉर्क एरिया का सबसे बड़ा बोरो है और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। ये भाई साहब कुर्बानी करने के पूरे चक्कर में, इससे पहले हमारी हूँ निकले यहाँ से। और ये है भाई साहब अब इंडियन क्वार्टर, और इंडियन की जो अर्ली सेटलमेंट है वो 1960 और 1970 के दशक में हुई थी, क्योंकि एक तो ये नेबरहुड बड़ी अफोर्डेबल थी एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क स्पेशली मनहट्टन, और दूसरा व्हेन यू सी लॉट ऑफ पीपल लाइक यू मूविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया यू ऑलवेज पिक दैट। और विदाउट अ डाउट इंडियन कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन काफ़ी है यहाँ पर, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो रिटेल हो, किसी भी फील्ड में है दे आर डूइंग गुड। और ये बहुत कुछ देखने में साउथ हॉल जैसा लगता है, जिस तरह की शॉप्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने ऐसी शॉप्स कभी भी वहाँ कैलिफोर्निया में नहीं देखी। दे आर इज रेगुलर मार्केट प्लेसेस, रेगुलर शॉपिंग सेंटर्स, नथिंग लाइक दैट। And there are ton of desserts and snack shops, जिस तरह से यहाँ पर हैं मैंने कभी कैलिफोर्निया में इतने नहीं देखी। And also, ये जो आप देख रहे हैं ये है jewelers market. These are all premium jewelry stores. कैलिफोर्निया में अगर आप देखोगे तो आपको एक स्टोर एक एरिए में मिलेगा, दूसरा स्टोर दूसरे एरिए में मिलेगा। यहाँ पर ये पूरी की पूरी मार्केट आप देख रहे हैं, सोना चांदी and all that. In one place. मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। Yep, and you see the jewelers everywhere. Shri Krishna Jewelers. कुंदन ज्वेलर्स बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अभी करोल बाग गए हों, एग्जैक्टली द सेम वे यू सी द ज्वेलरी शॉप्स हियर। वैसे तो भैया इंडिया से हर एक कम्युनिटी ने यहाँ अच्छा किया है, लेकिन खास तौर से पंजाबी हैं और गुजराती हैं, दे डिड एक्सेप्शनली ग्रेट। इनके अपने अपने बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे पंजाबी मोस्टली है यहाँ पर ट्रकिंग में, गैस स्टेशन, स्नॉल लेकर स्टोर्स kind of stuff. In Gujaratis, they own these departmental stores and motels. Unki monopoly hai. Oh, that's really good. This is Jackson Heights, guys. अब यहाँ तक आए हैं तो भैया थोड़ा अंदर चल के भी देखते हैं। It's a good big grocery store, no doubt. Lot of produce. जिस तरह जो भी ग्रॉसरीज घरों में जरूरत होती है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग अवेलेबल है। सो दिस इज लुक्स लाइक अ गुड ग्रॉसरी स्टोर फॉर दिस नेबरहुड। तो ये था हमारा जैक्सन हाइट का सफर। अब
चलते हैं वापस मैनहट्टन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ब्रुकलिन और फिर ब्रुकलिन ब्रिज भी क्रॉस करेंगे टूवर्ड्स न्यूयॉर्क, एंड देन दिखाएंगे आपको वहाँ से और भी नज़ारे। बने रहें हमारे साथ। All right, so this is the Brooklyn, just next to the Manhattan, and we didn't have any business to come here, we didn't have any reason to come here. The only reason I have to come here because my daughter always wanna go to Glossier, that's the fashionable thing store, and she has a goal to cover all those Glossiers of the world. She already did most of them. This one was left, so here's a Glossier check. Been there, done that. So निकल आए हम क्वींस एंड जैक्सन हाइट से बाहर और अब पहुंचे हैं हम ब्रुकलिन ब्रिज जो कनेक्ट करता है मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन को. सो लेट्स वॉक ऑन द ब्रिज. तो इस तक पहुँचे हैं ये बिल्कुल बीचों बीच ब्रुकलिन ब्रिज के. यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको मैनहट्टन का. दैट इज रियली ऑसम. तो ये है जी ब्रुकलिन ब्रिज, अ लैंडमार्क ऑफ न्यूयॉर्क. ब्रुकलिन ब्रिज को की कंस्ट्रक्शन को 1883 में पूरा किया गया था. इसकी कंस्ट्रक्शन को 13 साल चली, 1870 से लेकर 1883 तक, और उसमें बहुत सी अड़चनें आईं. बहुत से वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई. इनफैक्ट जो ब्रिज का डिज़ाइनर था ब्रिज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ही मर चुका था. उसके लड़के ने उसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया, उसकी वाइफ ने भी काफ़ी सुपरवाइज किया, ऐसा फैमिली थिंग. लेकिन क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, साथ में पानी यहाँ गहरा है, तो उसमें इतनी कंस्ट्रक्शन की उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी. और एक टोटली लोहे का ब्रिज, उस वक्त स्टील का भी इजाद अभी नहीं हुआ था, काफ़ी हैवी ब्रिज, और ये दुनिया का सबसे पहला सस्पेंशन ब्रिज था जिसने सारे ब्रिज के वेट को होल्ड किया हुआ है. अपने वक्त का पहला ब्रिज 1883. उसके बाद जो मेन सस्पेंशन ब्रिज बने उसमें से एक बहुत फेमस ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में, विच इज़ अ गोल्डन गेट ब्रिज. लेकिन दिस ब्रिज इज़ अ आइकन फॉर द वर्ल्ड. अगर आप न्यूयॉर्क का ध्यान, न्यूयॉर्क का नाम दिमाग में लाते हैं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ इसका भी नाम आता है. आइए आपको और आगे दिखाते हैं. और इसके साथ साथ ही अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको अनऑब्स्ट्रक्टिव व्यू मिलेगा पूरे मैनहट्टन का. दिस इज रियली रियली गुड. लेट्स वॉक विद मी. इट्स अ गुड डे, देयर इज नॉट टू मच विंड. गर्मियों के दिन हैं, नहीं तो सैन फ्रांसिस्को की तरह यहाँ पर भी उतनी ही हवा होती है जितनी वहाँ सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज पर मिलती है आपको. इट्स वेरी हार्ड टू वॉक व्हेन इट्स विंडी एंड व्हेन इट्स कोल्ड. Since it's the summer days, we are enjoying it. अगर आपको फिर कभी आने का मौका मिले, Brooklyn Bridge is also something जो miss करने वाली चीज़ नहीं है.
इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्होंने यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए बिल्कुल ही अलग से जगह बना रखी है। अनलाइक जैसे गोल्डन गेट ब्रिज है, उसमें पेडेस्ट्रियन के लिए जगह है लेकिन वो साइडवॉक जैसे रोड के साथ में वॉक है बस वही है। इसमें एकदम टोटली सेपरेट सेंटर एकदम मिडल ऑफ द ब्रिज वो जगह है, जिससे आपको ब्रिज के दोनों तरफ बहुत अच्छा व्यू मिलता है देखने के लिए। ट्रैफिक का फ्लो भी आप नीचे देख सकते हैं, दोनों तरफ आप सिटी को एंजॉय कर सकते हैं, मैनहट्टन की तरफ और ब्रुकलिन की तरफ। रियली गुड अनऑब्स्ट्रक्टिव व्यूज। और ब्रुकलिन ब्रिज के बिल्कुल साथ ही उसके पीछे आपको एक नया ब्रिज और बना हुआ मिलेगा, दिखता तो बिल्कुल नया है, वो है मैनहट्टन ब्रिज। दिखता नया है लेकिन वो भी 1909 का बना हुआ है। 1909 में एक और सस्पेंशन ब्रिज वहाँ से ब्रुकलिन और मैनहट्टन को अप टू कैनाल स्ट्रीट तक कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, राइट आफ्टर दिस मीन 26 इयर्स आफ्टर दिस ब्रिज। लेट मी शो यू द फ्रंट कैमरा व्यू ऑफ दैट। सो ये है जी मैनहट्टन ब्रिज, जो ब्रुकलिन ब्रिज के बिल्कुल साथ साथ पैरेलल है, और ये भी ब्रुकलिन और मैनहट्टन दोनों को कनेक्ट करता है, जिस तरह से ब्रुकलिन ब्रिज ब्रुकलिन और मैनहट्टन को कनेक्ट करता है। ये बिल्कुल साथ बना हुआ है इसके, आप देख सकते हैं दोनों ब्रिज इकट्ठे। लेट्स वॉक लिटिल बिट मोर। और ब्रुकलिन ब्रिज से ही आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी राइट देयर। Little far from here, but yeah, you can still see it. Almost there. To the other bridge. और ये अब हम ब्रुकलिन वाली साइड पे हैं, on the Brooklyn Bridge. और सामने की साइड में मैनहट्टन है, यहाँ से आप देख सकते हैं मिड टाउन मैनहट्टन, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उधर नज़र आ रही है, और साथ में ये है सारा लोअर मैनहट्टन, ऑल द मैनहट्टन। दैट्स द लोअर साइड ऑफ मैनहट्टन एंड दैट इज द मिड टाउन मैनहट्टन राइट देयर। एंड दिस इज द ट्रैफिक गोइंग फ्रॉम ब्रुकलिन टू मैनहट्टन। That is the traffic from Manhattan to Brooklyn, और उसके बीच में है pedestrian के walk करने की, तो सबसे बहुत मुझे बहुत अच्छा idea लगा इनका ये, so people can enjoy that too. Now this is the view from the Brooklyn side towards the Manhattan side of the Brooklyn Bridge. Just to give you this perspective as well. This is the Brooklyn, guys. Very good ship. Thank you.
This is Times Square in the morning hours. It's about 7:30 a.m. in the morning. This is how the Times Square looks in the daytime. और ये है NBC न्यूज़ का स्टूडियो 1A, जहाँ से वो सुबह का प्रोग्राम प्रसारित करते हैं। उनका सुबह का प्रोग्राम टुडे बिल्कुल यहीं से प्रसारित किया जाता है। और ये सिचुएटेड है वेस्ट 49th स्ट्रीट पर। तो आज यहाँ पर एक कॉन्सर्ट है, सो वी डिसाइडेड टू कम हियर। यूजली जब कॉन्सर्ट नहीं होता तो आप आगे तक जा सकते हैं, बट सो मेनी पीपल नाउ हियर, सो यू हैव टू बी हियर। अभी थोड़ी देर में जो न्यूज़ होस्ट होते हैं वो बाहर आएंगे एंड देन द शो विल कंटिन्यू। तो ये NBC न्यूज़ स्टूडियो भी रॉकफेलर प्लाजा में है। रॉकफेलर प्लाजा की यहाँ पर 7 बिल्डिंग्स हैं जो अंडरग्राउंड सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स यहाँ पर 1930-1935 से हैं, और मेरे ख्याल से NBC न्यूज़ भी 1933 से काम कर रहा है। सो एक बड़ा रेप्यूटेड चैनल है और दे स्टार्टेड नाउ, तो शो स्टार्टेड एंड द होस्ट विल कम आउट। सो वी विल स्पेंड सम टाइम हियर टुडे एंड देन आफ्टर दैट वी विल लीव। तो ये है NBC न्यूज़ का मीटरोलॉजिस्ट एल वॉकर, जो हर सुबह वेदर की इंफॉर्मेशन देता है। She is the country singer Lainey Wilson. तो ये NBC स्टूडियो की शुरुआत भैया जी 1933 में हुई थी। 1933 से लेकर अब तक ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से। बहुत ही रिप्यूटेड चैनल है अमेरिका का ये। इसमें कोई ऐसे कुछ चैनल होते हैं बायस चैनल्स, यू नो, लीन टू वन साइड और अदर साइड, हर जगह होता है वो, लेकिन उनकी लीनियसी फिर भी मिडल में है बिल्कुल। तो ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, हम मेरे पीछे देख रहे हैं। इस बिल्डिंग को 1931 में कंप्लीट किया गया था और उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। बड़ी फास्ट कंस्ट्रक्शन हुई उसकी, तकरीबन एक साल के अंदर 3,000 लोग उसमें कार्यरत रहे उसको बनाने में। उस वक्त मैंने कहा कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, फिर उसको सरपास किया 1971 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में,
और ऑफ कोर्स आपको से तीन गुना ऊंची बिल्डिंग आपको दुबई में मिल जाएगी, लेकिन ये बड़े टफ टाइम्स में बनी थी। 1931-1934 का टाइम अमेरिका के लिए काफ़ी टफ था, डिप्रेशन था, उसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इस बिल्डिंग ने एक तरह से अमेरिका की जो इमेज है, इस तरह का कल्चरल लैंडमार्क, न्यूयॉर्क का कल्चरल लैंडमार्क है। अभी भी जो लोग आते हैं इसको देखने के लिए, इसके बैक को ऑब्जर्व करने के लिए ऊपर जाते हैं, इसके व्यूज बहुत बढ़िया हैं ऊपर जाते हैं। हमने डिसाइड किया इसको छोड़ के वन ट्रेड सेंटर जाने का, उसका ऑब्जर्वेटरी बैक चेक करने का, क्योंकि वो नई बनी है और उसका उसकी हाइट ज़्यादा है और इट्स टोटली न्यू इनसाइड। इसको छोड़ के हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी आइकॉनिक बिल्डिंग। इफ यू गेट अ चांस टू कम हियर, यू नो सी दैट, कम एंड सी दैट। अगर न्यूयॉर्क ही अगर आप ट्रैवल पे आए और सेंट्रल पार्क में आए तो उसके बिना तो उसका सफ़र पूरा होना नहीं। ये है न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क और 143 एकड़ में फैला हुआ ये सेंट्रल पार्क दुनिया का सबसे पहला लैंडस्केप पार्क है, अमेरिका का सबसे पहला लैंडस्केप पार्क है। उसके बाद जितनी भी पार्क्स बनने की प्रेरणा मिली पूरी दुनिया को यहीं से आई है। इससे पहले राजा महाराजा का टाइम बनते रहे हैं, लेकिन जो मैनुअली जो लैंडस्केप पार्क पहला बना वो यही था। 1858 में इसको बनाया गया था और ये ध्यान में रख के बनाया गया था कि न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, कंक्रीट जंगल बन रहा है ये, तो उसको किसी न किसी तरह से कुछ एरिया प्रोटेक्ट किया जाए। तो न्यूयॉर्क के बिल्कुल बीचों बीच है ये एरिया लोकेटेड, अपर मैनहट्टन और मिड टाउन मैनहट्टन के बीच में और हार्लम रिवर और हडसन रिवर के बिल्कुल बीच में। आपको ये पूरा पोर्शन है, जब मर्जी आएँ, फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें। यहाँ पे आपको बैठ के लगता ही नहीं कि आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं जब तक आप पीछे वो बिल्डिंग्स को नहीं देखते। और देखिए पिछले 150 साल से प्रिजर्व करके रखा है उन्होंने नेचर को, वाइल्ड लाइफ को, बीचों बीच कॉन्क्रीट जंगल की। तो अगर इंसान कुछ चाहे तो हो सकता है, कहीं भी ये काम हो सकता है। जब ये काम कंक्रीट जंगल के बीच में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। आइए आपको और दिखाते हैं आगे। और अगर रोड्स की बात करें तो भैया एकदम घना जंगल टाइप है अंदर तक, और बीचों बीच ऐसी सिटी के कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना घना जंगल यहाँ पर होगा। बट इट्स अ गुड पार्क, हियर यू गो। Here's a life. Here's a life. और एक चीज़ मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा, ये जो बिल्डिंग के नीचे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जैसे कुछ लग रहा है कि ये सपोर्ट किया हुआ किस चीज़ को, वो ये एक्चुअली वॉकवे है जो उन्होंने बनाया है नीचे। बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है या रेनोवेशन चल रही होगी, लेकिन सिटी कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे काम के लिए लोगों को डिस्ट्रप्शन हो, तो उनको परमिट देने से पहले ये वॉकवे बनवाया है। तो दिस इज द ऑल वॉकवे बनाया गया है इसी ऑनर के एक्सपेंस पे, ताकि नीचे से जो पब्लिक आप देख रहे हैं, लोग निकल रहे हैं नीचे से। अगर कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटी के रिसोर्स यूज़ करेंगे या लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, लोगों को बेरहमी पहुँचाएंगे। तो ये भैया कानून इसे कहते हैं, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही है, लेकिन उसको परमिट इसी शर्त पे मिला है कि वो पहले वॉकवे बनाएंगे लोगों के निकलने के लिए, उससे पहले परमिट इशू नहीं होगा। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स गाइस, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये था हमारा न्यूयॉर्क का सफ़र, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। और मैं दिखाना चाहूँगा हम कहाँ ठहरे थे, दैट्स अ पार्ट ऑफ अप टाउन, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 94th Street में हम ठहरे थे। और मोस्टली आप अगर इफ यू आर अंडर 100th Street यू गुड,
आपके पास यहाँ मेट्रो की अच्छी सर्विस है। अगर आप स्ट्रीट से ऊपर चले जाते हैं तो आपको फिर मेट्रो स्ट्रेट हो जाती है। सो अगर आप 100 से नीचे स्ट्रीट में रहें, कहीं भी रहें अपटाउन में, इट्स क्लीन एरिया एंड इट्स वेरी बिजी, और 24 आवर नहीं और हमेशा बिजी रहता है। एंड आए यहाँ फैमिली के लिए, इंजॉय करें, देखिए फास्ट लाइफ को। और मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट व्यू ये कि वेयर वी स्टेड एंड हाउ फार द स्टेशन वाज। वांट टू मेक श्योर यू हैव अ स्टेशन अप्रोच नियर बाय। सो दिस इज माय इंटरसेक्शन वेस्ट 94th स्ट्रीट एंड ब्रॉडवे, वेयर वी स्टेड। एंड ये होटल हमारा बिल्कुल सामने है, नाइट होटल, दैट्स द बेस्ट वी कुड फाइंड हियर। And the train station is right there, approximate maybe 300 feet from here. And you have a station access from here too. No problem getting into the train. All right, see you in the next vlog.